देश विच लगाए गए लॉकडाउन कारण हर एक वर्ग का कारोबार काफ़ी प्रभावित होया है, पर इस लॉकडाउन की मार सब तो वध व्याह शादियां पार्टियां विच नच गा के लोगों का मनोरंजन करन वाले सभ्याचार ग्रुपां दे उपर पया है। अजिही एक गुरदासपुर की डांसर है जो लॉकडाउन विच काम काज ठप होने तो बाद हुण गुरदासपुर के एक नशा मुक्ति केंद्र विच नशेड़ी मरीजा नू डांस अते योगा सिखा के अपना पेट पाल रही है। यह डांसर पहला खुद भी नशे की आदि सी अते हुण नशियां नू छड्ड दूसरियां नू जागरूक कर रही है। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट, लाइव भारत। नमस्कार, मेरा नाम डॉली शर्मा है और मैं इस वक्त रेड क्रॉस के विच योगा थेरेपिस्ट का काम कर रही हूँ। इना जेडे इत्थे पेशेंट्स दाखिल ने उन्हां नू सहयोग दे रही हाँ। डांस क्लास लग रही है क्योंकि डांस मेरा प्रोफेशन सीगा और मैं पहले डांस का ही काम करती सी। ते जिस तरह कि लास्ट ईयर लॉकडाउन लग गया उस टाइम मतलब कि सब दे रोज़गार वगैरह बंद हो गए, ते कोई होर रोज़गार का कोई साधन नहीं सी। ते जेडे मतलब कि काफ़ी लोग जिस तरह नशे च सी जिन्हां दे नाल मैं भी आंदी हाँ, तो उस टाइम मतलब कि रोज़गार बंद होने कारण पैसे भी खत्म हो गए तो काम भी कोई होर नहीं मिल रहा सी। तो उस वक्त मतलब कि ये सिचुएशन आई ही कि इंसान या तो सुसाइड कर ले या तो उन्हें पैसे मिल जान। पैसे वास्ते इंसान नशे वास्ते इंसान कुछ भी करता है, बहुत हदां टप जाता। बट मैं अपनी लाइफ में चुनिया, मैं जीना चाहती सी। तो मैनू किसी ने दस्या सी इस सेंटर के बारे च, डॉक्टर रमेश महाजन जी नू मैं आके मिली इत्थे। मैं उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी दसी कि मैं इस तरह मतलब कि स्टेज डांसर हाँ, सभ्याचार कल्चर डांस करती हाँ। तो मैं इस तरह मैं एडिक्ट हो गई तो उन्होंने मेरी बहुत हैल्प की, इत्थे मैं एडमिट किया। मैं एक महीना इत्थे रही, उस तो बाद मैं ठीक हो के बिल्कुल इत्थों गई हाँ। तो हूँ मैं सारों को यही मैसेज देना चाहनी हाँ कि नशा एक मौत का रस्ता है, इनू छड़ना चाहिए। तो अपने फ्यूचर नू, अपनी लाइफ नू सिक्योर करने वास्ते इस सेंटर विच आ के अपना ट्रीटमेंट करवाए, इंसान तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तुसी एडिक्ट कदों होए सी ते सभ्याचार ग्रुप दे विच किस तरह दे जिहड़े औंकड़ा सामना करना पिया? मैं 6 साल तो सभ्याचार का काम कर रही सी। तो साल एक मतलब कि मैं नशे च मतलब कि जो भी अपनी सेविंग वगैरह जो भी पैसा मैं जोड़िया 6 साल च मैं 1 साल दे अंदर अंदर ही उड़ाता। तो एकदम बिल्कुल खाली हो चुकी सी मैं, मेरे को मनी का इशू हो गया ते उस तो बाद काम बंद हो गया ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पिया। तो सभ्याचार तो बिल्कुल ही बंद हो गए क्योंकि इंसान जिहड़ा प्रोफेशन करता उन्हें उही आता, कई इंसानों होर कोई दूसरा काम नहीं आता। तो इस करके मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम सी वो, मैं तो उसनों सोच के भी डर लगता है कि वो किस तरह का टाइम ही जिहड़ा मैं बिताया। हुण मैं बिल्कुल हैल्थी लाइफ जीती हाँ इत्थे ट्रीटमेंट तो बाद, और मैं यही चाहनी हाँ कि सारे ही नशा छड्डन ते सारे ही ठीक हो के अपने फ्यूचर नू अपनी फैमिली नू वधिया टाइम देन, वधिया कारोबार करन। होर मेरी एक मेरे कल्चर ग्रुप दे विच एक कुड़ी सीगी जिसने कि नशे दी तोड़ विच अपना बच्चा जिहड़ा आ ओह बेचता सी सिर्फ एक 5,000 दे कारण। 5,000 रुपया लैन करके उन्हें अपना बच्चा जिहड़ा किसी नू देता। कि ये नशा इन्ना माड़ी चीज़ है ना, बहुत ही माड़ी चीज़ है। इंसान इस वक्त नशे दे विच इस तरह डुबदा जा रहा है कि जिस तरह कि उन्हें अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं होंदी, वो बेशक सुसाइड तक चल जाते करन अगर उन्होंने नशा नहीं मिलता। तो उन्होंने एक गलत रस्ता छड़ के अपने इलाज वल फोकस करना चाहिए कि बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है जी इम्पॉसिबल हो नहीं सकती। हर एक चीज़ का इलाज है, नशे का भी इलाज है। तो घबराने की या डरने की लड़कियों खासकर लड़कियों कोई जरूरत नहीं है, वो इतने आके तो अपना इलाज करान ते अपनी जिंदगी वधिया बितान। सर इहदा आंकड़ा जिहड़ा मैं तुहानूं की दसां कि 100 विचों 90% जिहड़ियां जिहड़े मतलब कि कुड़ियां मुंडे प्लस कुड़ियां नशा करते हैं, ड्रग्स लैंदे आ, कई लोग ड्रिंक्स करते हैं। 10% लोग इस तरह के जिहड़े कि फैम
फैमिली नूं बिलोंग करते हैं वो थोड़ी दूर ने या फिर वो नफरत करते हैं, सिर्फ वो 10% लोग बचे हुए हैं सभ्याचार च जिहड़े नहीं करते। इस वक्त इस सेंटर दे विच भी होर भी सभ्याचार दे काम करने वाले जिहड़े लोग है उत्थे एडमिट ने, सिर्फ लॉकडाउन दे कारण कि पैसे खत्म हो गए ते इत्थे इलाज कराने वास्ते आए हैं। एवरी फैसिलिटी अवेलेबल हेयर लाइक जिम, लाइब्रेरी, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, पेंटिंग, ड्राइंग, एवरीथिंग।